हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज हम बात करेंगे, आपने जैसे कि टाइटल में देखा है, B1 लेवल स्पीकिंग स्किल्स के बारे में। आप सभी B1 लेवल का एग्जाम दे चुके हो, या फिर आपने दिया होगा, या फिर आपकी प्लानिंग है आगे देने के लिए। तो एग्जाम डेट का जो रजिस्ट्रेशन है जर्मन एग्जाम का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट एग्जाम कब है। काफी क्वेरीज आती है कि एग्जाम गोएथे में कब है, उसका कैसे पता करें और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। बट मैं रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर लेना नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो एक्सप्रेशन टाइल है, जिसको बोलते हैं स्पीकिंग स्किल्स, उसमें कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है ताकि आप उसमें अच्छे मार्क्स ले सको। पहला पॉइंट आता है, जब भी आप स्पीकिंग स्किल्स का एग्जाम दे रहे हो, ओरल एग्जाम दे रहे हो जर्मन का, चाहे किसी भी लेवल का, आपको एग्जामिनर से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। आई कॉन्टैक्ट अगर आप नहीं करोगे तो यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस। तो एग्जामिनर तो आपको देख रहा है, बट अगर आप उससे आई कॉन्टेक्ट नहीं मिला रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो हमेशा जब भी आप ओरल एग्जाम दोगे या स्पीकिंग स्किल्स का एग्जाम दोगे जर्मन का, तो आपको आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है एग्जामिनर के साथ। टीचर से आई कॉन्टेक्ट जरूर रखना है आपको, चाहे आपको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। कई बार होता है स्टूडेंट्स आगे पीछे ऐसे इधर उधर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपका आपकी वीकनेस पता चलती है एग्जामिनर को कि आप वीक हो, कहीं ना कहीं आप मेंटली वीक हो, या आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये आपके मार्क्स लूज करा सकती है, और इस टाइम पे आपको नर्वसनेस भी हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि स्टूडेंट नर्वस है कि नहीं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, काफी लोग, अगर आप किसी से नॉर्मली बात करते हो, कहीं जॉब के लिए भी अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो अगर आप बॉस के साथ जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे अगर आप आई कॉन्टेक्ट नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप में वीकनेस है, आप में बात करने की एबिलिटी नहीं है। आप किसी के साथ बैठ के सामने वन टू वन बात नहीं कर सकते, इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट। तो जब भी बात करनी है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करनी है, और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है। ये थी पॉइंट नंबर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो आपको हमेशा करेक्ट बोलना है, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि हमेशा कम बोलना है और टू द पॉइंट बोलना है। ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने, आपको करेक्ट सेंटेंस बनाने हैं। B1 का जैसे प्रेजेंटेशन हम देते हैं, तो प्रेजेंटेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है, उसका एक स्ट्रक्चर है, तो क्या स्ट्रक्चर को यूज करना है, कैसे स्टार्टिंग करना है। इस्ट गेजुनहाइट या heute spreche ich über die Gesundheit, und dann spreche ich über meine Erfahrung, und dann spreche ich über die Vorteile und Nachteile, und am Ende bedanke ich mich bei Ihnen। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करने हैं आपको, फिर आपको अपना ओपिनियन देना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, उसके फोरटाइल और नाकटाइल बताने हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बोलना है। लेकिन जो भी बोलोगे एकदम सटीक बोलोगे, गलत नहीं बोलोगे। तो गलत बोलोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, एकदम टू द पॉइंट बोलना है, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में तैयारी के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, एक आपको व्हाइट पेपर मिलता है, और जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो आप नोट्स बनाइए उस टाइम पे बैठ के, आपको क्या क्या बोलना है, और जब आप एग्जाम दोगे एग्जामिनर के सामने, आप दूसरे रूम में जाओगे बोलने के लिए, तो आप उस शीट में से देखकर मत बोलना। कोशिश करना कि आप उस शीट में केवल पॉइंटर्स लिखोगे। अगर आप पूरे पूरे सेंटेंस लिख दोगे और आप उसको देख के रीड करोगे, तो एग्जामिनर को लगेगा इसको तो कुछ याद ही नहीं है, तो सब लिख के लिया है। हालांकि आपने वहीं पे बैठ के लिखा है, बट उसके भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको फ्लुएंटली बोलना है, आप वहां पॉइंटर्स लिख लो कि सपोज आपने फोर टाइल लिख लिए, ये नाक टाइल होते हैं, ये नाक टाइल लिख लिया आपने, तो आप उन पॉइंटर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करो, इलेबोरेट करो, रादर देन क्या पूरी शीट आप एकदम पढ़ के सुना रहे हो, ठीक है। तो उसमें भी मार्क्स कटते हैं, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन का मतलब आपको समझना है, उसमें टेंस कौन सा यूज करना है, परफेक्ट टेंस करना है या प्रेजेंट टेंस करना है। ये गलती होती है कई बार स्टूडेंट्स के साथ कि वो जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का टेंस गलत पढ़ लेते हैं। सपोज एक पार्टी हो चुकी है और आप दूसरे फ्रेंड को उस पार्टी के बारे में बता रहे हो, तो पार्टी तो हो चुकी है, तो आप उसके बारे में बता रहे हो। यहां लगे एक्सप्रेशन में नहीं आता, बट मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो परफेक्ट टेंस में बनेगा, बिकॉज पार्टी इज ऑलरेडी ओवर, इट वॉज लास्ट नाइट, और आप नेक्स्ट डे बता रहे हो। तो ऐसी क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में आपको देखना है कि फॉर्मली आपको बात करनी है, इनफॉर्मली। तो मेरा सजेशन है हमेशा जो सेकंड टाइल है, जो नेक्स्ट टाइल है, जिसमें आप सुजामन गेमाइंजाम एक्सप्रेशन करते हो, एक पार्टनर के साथ आप डिस्कस करते हो किसी टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आपको जी फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। हमेशा कोशिश करना है जी फॉर्म में आप बात करोगे। तो इसी गेमाइंजाम वाले टाइम में आपको ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग होती है, आप स्टार्टिंग खुद करना, जैसे कि डू यू नो दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सचेंज प्रोग्राम विद जर्मन स्टूडेंट्स। सपोज एक टॉपिक है आपका कि आप जर्मन स्टूडेंट्स के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
तो उसके ऊपर आपको अपने क्लासमेट्स के साथ एक डिस्कशन करना है और एंड में एक एग्रीमेंट करना है कि आपने क्या क्या कंक्लूजन निकालना है, कैसे कैसे आप सारी तैयारी करोगे। तो इसका इनिशिएटिव हमेशा कोशिश करना है कि आप इनिशिएटिव लो इसका, मतलब कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग आप करो, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आपका पहला पॉइंट तो वहीं मिल जाएगा जब आप स्टार्ट करोगे कॉन्वर्सेशन को। वेट मत करना कि दूसरा कैंडिडेट आपसे पहले स्टार्ट कर दे और आप सिर्फ आंसर आंसर दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में स्पीकिंग के ध्यान रखना कि आपको भी क्वेश्चन पुट करने हैं और जो सामने वाला कैंडिडेट आपसे पूछ रहा है उसका आंसर भी आपको देना है। तो इसमें कम से कम आप 3 से 4 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। मतलब आप जब डिस्कशन कर रहे हो तो आपको भी तो क्वेश्चन पूछना उससे फ्रेंड से कि अच्छा वी फिंडनजी माइने इडे वाज डेंकनजी दारी ऊपर, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, हाउ डू यू फाइंड माय आइडिया, और व्हाट शुड वी डू फॉर दिस, व्हाट शुड वी डू फॉर दैट, हाउ कैन वी मैनेज, हु ऑल आर कमिंग विद अस, ओके, वेयर म्यूस्ट मिट माखन, हु वुड लाइक टू डू अलोंग विद अस इन दिस प्रोग्राम। तो ये सब चीजें आपको भी पूछनी है पार्टनर से, ऐसा नहीं कि पार्टनर आपसे पूछ रहा है और आप सिर्फ या नाइन ऐसे वन वर्ड आंसर भी नहीं देने हैं, ठीक है, पूरे कंप्लीट आंसर्स देने। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना स्पीकिंग स्किल्स पे। तो मैंने गेमाइंजम वाले पार्ट के बारे में बताया। तो क्वेश्चंस कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर तैयार करना जब आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट्स का प्रिपरेशन का। तो कई बार आपको समझ नहीं आता कि इसमें नोट क्या करना है आपको, तो गेमाइंजम वाले टाइप में आपको नोट क्या करना है, क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने, जैसे डब्ल्यू फैमिली ध्यान रखना, ठीक है, कोशिश करना हमेशा या नाइन क्वेश्चन कम पूछो, डब्ल्यू फैमिली के क्वेश्चन ज्यादा पूछो, उसमें क्या आंसर ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे वी वास वारूम, वी फील वी फीले, वो फोन जाइट वान वारूम, ये सारे डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स आपके टिप्स होने चाहिए और उनको नोट करो और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम करो। ये आप कर लोगे तो आपका जो गेमाइंजम वाला टाइम है काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। तो बस यही छोटी टिप्स थी जो आपको देनी थी मुझे आज B1 एग्जाम के लिए, स्पीकिंग स्किल्स के लिए। आई विश यू ऑल गुड लक जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।